सिट स्ट्रेट, एकदम सीधे, बैक स्ट्रेट एंड पुट योर हैंड्स हियर, क्विक एवरीबडी हियर, सीधे ऊपर को करके टेबल पे नहीं, एंड रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, धीरे धीरे ऐसे रोटेट करना है, रोटेट करना है. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. देन इन एंटी क्लॉकवाइज, से अगेन एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड वेरी गुड. 5, 6, बातें नहीं बातें नहीं. 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. देन रिलैक्स एंड देन डू इट. होल्ड योर रिस्ट, होल्ड योर रिस्ट एंड पीछे को, ऊपर नहीं करना है, ऐसे नहीं, पीछे और सीधी सीधी गर्दन, सीधी नेक स्ट्रेट, ओनली देन इट विल रिलैक्स योर नेक, है ना. बैठे बैठे बहुत सारों को क्या हो जाता है, बच्चे हो आप, बट बड़ों को क्या हो जाता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है. इन द नेक देर इज ए वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, राइट. सो इट गेट स्टिफ, सो इट देर इज पेन, खींचनी है अपनी बाजू, इधर को स्ट्रेच करनी है. वेरी गुड. देन अनदर रिस्ट, होल्ड योर अदर रिस्ट एंड ऑन द अदर साइड, अदर साइड. वेरी गुड. सिर के ऊपर नहीं, पीछे से कोशिश करो जितना पीछे से लेके जाया जाए. वेरी गुड वेरी गुड. 6 ईज, स्टूडेंट्स डू इट, करोगे देन द सेम, द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन. रिस्ट चेंज करनी है आपने. वेरी गुड. 5, 6, 7, 8, 9, 10. देन द अदर रिस्ट एंड डू इट लाइक दिस. वेरी गुड. जल्दी से जल्दी से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स. ठीक है, आज हम थोड़ी सी करेंगे क्योंकि खाना खा के आए हुए हो ज्यादा, तो पेट ज्यादा भरा हुआ है. ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस वी विल डू नेक्स्ट टाइम. ठीक है जी, चलिए. कैन यू सी द बोर्ड क्लियरली? अगेन यस द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, ओनली कॉपी एंड पेन इन योर हैंड्स, नथिंग एल्स, नो क्लटर. अपने सभी पेंसिल बॉक्सेस, टिफॉन्स अपने बैग में रखो, बॉटल्स अपनी बैग में रखो. हमें सिर्फ एक कॉपी और एक पेन चाहिए, एंड नॉट द रफ कॉपी. ठीक है, बिकॉज दीज क्वेश्चन आर कंसेप्चुअल क्वेश्चन विच आर गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स, राइट. सो राइट डाउन फटाफट से, ये बनाओ जल्दी से, ये बनाना भी है. इस तरह से बनाना है आपने, इस तरह से बनाना है. दिस इज 3 किलोमीटर, दिस इज 4 किलोमीटर एंड दिस इज 5 किलोमीटर. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. बोलो बोलो एंड बोलो, राइट. जो बोलू है वो यहां से चला, यहां से चला और वो यहां पे पहुंचा, और जो गोलू है वो कहना मैंने सीधा यहां से यहां जाना, यहां से. अब रीड द स्टेटमेंट एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट, एंड यू विल आंसर मी. सिक्स सी में से आंसर देना बेटा. इश्मीत सिंह, इश्मीत आ जा बेटा जल्दी से, क्विकली. बोथ टुक बोलू एज वेल एज गोलू, दे टुक 30 मिनट्स टू रीच हियर. बोलू कवर्ड दिस डिस्टेंस, गोलू कवर्ड दिस डिस्टेंस, हु इज फास्टर? पहले अपना माइक ऑन करो, उधर देखो शायद रेड है अभी तो, है ना. इसको करो ग्रीन. हाँ बोलो.
सा नीचे करके, आवाज तो आ रही है आपकी। गोलू। गोलू जो है वो फास्टर है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड इश्मी, गो टू योर सीट। सो गोलू जो है ही इज फास्टर बिकॉज ही कवर्ड, गोलू कवर्ड 7 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, वेयर एज गोलू कवर्ड 5 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स। सेम टाइम है बट हु कवर्ड मोर डिस्टेंस, गोलू कवर्ड मोर डिस्टेंस, राइट, दैट्स व्हाई ही इज फास्टर। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो गोलू, और यहाँ पे लिख लो एज गोलू कवर्ड 4 distance in same time, therefore Bolu is faster than Bolu. Right job. Who is faster? Bolu is faster. डन, एवरीबडी डन, ओके, लिख लो लिख लो, सम स्टूडेंट्स आर स्टिल राइटिंग। हाउ मेनी सेक्शंस हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन द क्लास, इन द स्कूल क्लास, किसकी क्लास में ये चैप्टर खत्म हो गया है? नहीं, अभी किसी की भी नहीं। ओके, जल्दी से क्विक, चलिए जिसका रह गया वो अपने फ्रेंड से लिखना। Then we come to types of motion. ठीक है, लिखो जरा types of motion। कौन कौन से टाइप है? सीधा जा रहे हैं, कोई रिवॉल्व, जैसे अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, हम कार में जा रहे हैं बट कार जो है वो बहुत भीड़ है, कभी इधर को जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, राइट? तो इस तरह से, सो टाइप्स ऑफ मोशन लिखो जरा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, राइट डाउन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द पाथ फॉलोड। ये आपको नजर आ रहा है क्लियरली कि ये क्या लिखा हुआ है? यस और नो? यस ठीक है, चलिए कि मैं आपको दूसरे पे करवा दूं, लेट मी सी।
इज, पहले ध्यान से सुनना है फिर लिखना है, रैंडम मोशन, कोई डायरेक्शन नहीं है, आप एक बहुत ही बिजी मार्केट में गए हो, बहुत भीड़ है, दिवाली का रश है आजकल, है ना, कभी आप इधर जा रहे हो, कभी इधर को अपना स्कूटर साइकिल घुमा रहे हो, कभी सीधा जा रहे हो, कभी कर्व कर रहे हो, सो दैट इज रैंडम मोशन, मीन्स नो पर्टिकुलर डायरेक्शन. एग्जाम्पल इज, लेट अस से मोशन ऑफ कार इन बिजी मार्केट, बिजी क्राउडेड मार्केट, बहुत क्राउडेड है, देन सेकेंड इज ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, बुक्स छोड़ दो, बुक्स हमें नहीं चाहिए, बुक्स वर्कशीट कुछ नहीं चाहिए, ओनली योर कॉपी छोड़ दे बेटा, सिक्स बी रख दे बेटा, बैग में रख दे सब कुछ, ओनली योर कॉपी इज रिक्वायर्ड, अभी हमें वर्कशीट नहीं चाहिए, है ना, पुट इट इन योर बैग, ट्रांसलेटरी मोशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, राइट डाउन, इट मे कम इन द एग्जाम, कई बार डिफाइन द फॉलोइंग आ जाता है, व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ ए बॉडी, लिविंग है नॉन लिविंग है कुछ भी, जिसकी मोशन हो रही है, मूव्स टूगेदर, मूव्स टूगेदर, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन बेटा कौन से टाइप के, ये देखिए, वन इज रेक्टिलीनियर, पहले ध्यान से सुनो फिर लिखना, क्योंकि कॉपी में स्पेस भी आपको चाहिए होगी, फर्स्ट लिसन उसके बाद आराम से लिखना कैसे लिखना है, रेक्टिलीनियर मीन्स पेंस डाउन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यू आर गोइंग ऑन हाईवे, चली जा रहे हो, दैट इज स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर, देन अनदर इज कर्विलिनियर, ठीक है, इस तरह से, ये अभी इस तरह से कोई जा रहा है, पहले यहां को चल पड़े, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, दैट इज कर्विलीनियर, आप यहां पे सिर्फ अभी सिंबल बनाओ, फिर हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एंड देन सर्कुलर, सर्कुलर जैसे चंडीगढ़ में राउंड अबाउट्स बने हैं, कोई बॉडी इसके अराउंड मूव कर रही है, दैट इज सर्कुलर मोशन, राइट,
यहाँ पे लिखो एक पॉइंट, सर्कुलर मोशन इज ए टाइप ऑफ कर्वी लीनियर, है ना। अगर सर्कुलर कोई है वहां पे आप कर्वी लीनियर लिख दोगे, नो प्रॉब्लम, इट इज ए टाइप ऑफ कर्वी लीनियर मोशन। देन नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। देन अ बॉडी रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। सेंटर में एक्सिस है, जैसे आपके साइकिल है, साइकिल का जो व्हील है उसमें एक्सिस है, जो बाकी का व्हील है इट मूव्स अराउंड दैट एक्सिस। फैन है, फैन के बीच में है, उसके जो ब्लेड है दे मूव अराउंड दैट सेंट्रल पार्ट, दैट इज रोटेशनल मोशन। यानी बॉडी मूव अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस। व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस। अभी हम एग्जांपल बताएंगे, आपको समझ में आएगा। लास्ट पर एक ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज पेंडुलम मूवमेंट, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। देखो देखो फटाफट से, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। एंड राइट डाउन, इफ द ऑसिलेशंस आर वेरी फास्ट, इफ द ऑसिलेशंस आर वेरी फास्ट, इट इज वाइब्रेटरी मोशन। अभी मैं दोबारा से इसके क्वेश्चन फॉर्म में लिखवाऊंगी, बट पहले नोट डाउन दिस, फोर टाइप ऑफ मेन मोशंस आई हैव टोल्ड यू, रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अभी वाइब्रेटरी मोशन बाद में लिखना, ये लिख लो पहले। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ में आएगा तो एग्जाम्पल समझ में आएगी। राइट ऑन एवरीबडी, एवरीबडी डन? डस ओ वेरी गुड।
गए? यस राइट डाउन व्हाट इज द डिफरेंस, राइट डाउन द क्वेश्चन. What is the difference between oscillatory and vibratory motion? तो वाइब्रेटरी मोशन के जब ऑसिलेशंस बहुत तेज हो जाएं, सो हाउ विल यू राइट इट? 2 मार्क क्वेश्चन है ये. आंसर इज लाइक दिस, यू हैव टू राइट ऑसिलेटरी मोशन. ये इधर को मूव कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है पेन. व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? अभी बताते, अभी बताते. सो यू कैन से दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन पोजीशन. हम कहते हैं ये टू एंड प्रो मोशन कुछ नहीं, वेलकम टू कश्मीर, कश्मीर कश्मीर. ऑफ ए बॉडी. यहां पे पहले लिख लो स्लो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. देन वाइब्रेटरी मोशन फास्ट ऑसिलेटरी मोशन. Is called as, जब ऑसिलेटरी मोशन बहुत फास्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल वाइब्रेशंस ऑफ अ ड्रम. ड्रम क्या है? ये ड्रम हमारे घरों वाले नहीं, ड्रम मीन्स म्यूजिकल ड्रम. हम उस पे एक थापी देते हैं, एकदम उसकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है. ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ ए ड्रम, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, साउंड हमारे कानों में जा रही है. कानों में क्या है, ईयर में क्या, ईयर ड्रम है, वो भी वाइब्रेट करता है. वाइब्रेशंस ऑफ ईयर ड्रम व्हेन साउंड स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स मीन्स उससे टच करती है, स्ट्राइक्स विद इट या स्ट्राइक्स ऑन इट. जब साउंड वेव्स ईयर ड्रम पे धक्का करती है या उसपे स्ट्राइक करती है या उसको टच करती है, देन द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स क्विकली. ओके okay. बातें नहीं, बातें नहीं गर्ल्स. हाँ बोलना है, कुछ पूछना है आपने? एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट हाँ जी बोलो बोलो बेटा. प्रो इज द मीनिंग ऑफ फ्रो? मीन्स कुछ नहीं, दिस इज टू एंड फ्रो मूवमेंट. इसको हम कहते थे टू और फिर पीछे आना फ्रो, राइट? टू मीन्स आगे जाना, पीछे आना फ्रो, राइट? टू एंड फ्रो. एनीथिंग एल्स, किसी और को पूछना है?
डन, चले आगे। यस नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, एक और हम आ जाते हैं। देन राइट डाउन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन? अब देखो, पहले ध्यान से देखो, ये मून है, सॉरी ये सन है, एंड दिस इज द ऑर्बिट अर्थ। अर्थ जो है यहां से यहां मूव कर रही है। आफ्टर 1 ईयर इट अगेन कम्स टू दिस पॉइंट एंड अगेन स्टार्ट अनदर रोटेशन। ठीक है, दिस इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स सेम मूवमेंट इज रिपीटेड आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। जैसे अर्थ की, ध्यान से इधर सबने देखना, बाकी सब छोड़ दो, पेन छोड़ दो, ईयर्स एंड आईज इंक्लूडिंग ब्रेन, ईयर्स एंड आईज का कोई फायदा नहीं अगर दिमाग यहां पर नहीं लगाओगे, राइट? तो ऑन द स्क्रीन, सो इफ द सेम मूवमेंट इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये पेंडुलम है, यहां गया, यहां गया, फिर यहां पे आ गया, अगेन इन सेम टाइम, लेट अस से वो 1 सेकेंड में यहां यहां जाके फिर यहां पे आ रहा है, तो फिर अगले 1 सेकेंड में अगेन मूव हियर, देन मूव्स बैक एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, उसका जो मेन पॉइंट है बीच में जो है, अगेन 1 सेकेंड वन, फिर यहां गया और फिर यहां। सो सेम मूवमेंट इज रिपीटेड आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। इज इट राइट? अगर ये पहली बार पेंडुलम इधर से इधर फिर आया 1 सेकेंड में, दूसरी बार 5 सेकेंड में आया, तीसरी बार फिर 2 सेकेंड में आ गया, अगर सेम इंटरवल में मोशन रिपीट नहीं होती है, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन पीरियड। मोशन चाहे रिपीट हो रही है बट सेम इंटरवल में नहीं है, दैट इज नॉन पीरियड। हार्ट बीट है हमारी, है ना? हम कहते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार है, 72 टाइम्स, हम ये जनरल कहते हैं, इज इट ओके? बट इट इज नॉट ऑलवेज, कभी हम रेस्ट में है, एकदम हम सुस्ता रहे हैं, तो हार्ट बीट थोड़ी धीरे हो जाती है। साथ ही आपको याद आया, ओहो कल तो टेस्ट है और हमने तो कुछ किया नहीं, व्हाट हैपेंस? हार्ट बीट इंक्रीजेस, यस और नो? है ना, एकदम इंक्रीज हो जाती है, वो 75-80 तक पहुंच जाएगी 1 मिनट में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हार्ट बीट, हार्ट बीट में क्या, हार्ट के चैम्बर्स मूव करते हैं, मूव मतलब इधर उधर नहीं जा रहे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, हम बाद में करेंगे इन द लेटर क्लास, है ना? तो मूवमेंट तो है हार्ट में, बट इट इज कंसिडर्ड एज नॉन पीरियोडिक। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स द हार्ट बीट इज स्लो, समटाइम्स इट इज फास्ट, ठीक है, बट वेन देयर इज यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड पे सेम मोशन रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो लिख लो जरा। देन सेम मोशन इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, व्हेन सेम मोशन इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज
पीरियोडिक मोशन। इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। व्हेन सेम मोशन इज रिपीटेड आफ्टर इरेगुलर, रेगुलर नहीं इरेगुलर, कभी कम कभी ज्यादा, टाइम कभी कम लग रहा है कभी ज्यादा लग रहा है सेम मोशन को, इरेगुलर। इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। इरेगुलर को आप डिफरेंट इंटरवल्स भी कह सकते हो। एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम सिक्स सी स्टूडेंट्स, नो टॉकिंग नो टॉकिंग बेटा, बातें आपस में नहीं। लेट्स डू सम एग्जांपल्स राइट। अब आपने ये समझ लिया, आपके पास कर लिया ये सारा, आगे चले। ओके यस लेट्स सी अगर हमारे पास So, you can see here, car is moving on a straight road. ठीक है, लिखते चलो एग्जाम्पल्स राइट ऑन। कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, और उस साइड लिखो रेक्टिलिनियर मोशन, इस तरह से बना लो एग्जाम्पल। टाइप ऑफ मोशन, कार एग्जाम्पल में लिख लो फर्स्ट, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एग्जाम्पल इज, और टाइप ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देन बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, लिखो जरा जरा एग्जाम्पल। सीधी जा रही है, कहीं ऐसे 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 घूम के नहीं जाती, रजनीकांत की मूवी की तरह से नहीं है कि एक बुलेट के चार पीसीज हो गए, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, ऐसा नहीं। बुलेट फायर्ड, एक बार फायर होके सीधा जाती है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। राइट डाउन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन किसकी एग्जाम्पल है? रेक्टिलिनियर मोशन। देन थर्ड, मूवमेंट ऑफ ड्रॉअर, कैसे करते हो? खोलते हो बंद, करते हो खोलते हो बंद, सीधा ही घूम तो नहीं ना रही कहीं कहीं ड्रॉअर। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ड्रॉअर, थर्ड एग्जाम्पल लिखो जरा जल्दी, ओपनिंग एंड। राइट डाउन राइट डाउन, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना बेटा। सिक्स बी गर्ल्स,
लिख लो बच्चे, लिख लो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ड्रॉअर। आप अपने घर में ड्रॉअर्स खोलते हैं, है ना, सीधा खोलते हैं, बंद करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ ए ट्रेन ऑन ए कर्व्ड ट्रैक। मूवमेंट ऑफ ए ट्रेन ऑन ए मूवमेंट ऑफ ट्रेन ऑन कर्व्ड ट्रैक। कर्वीलीनियर मोशन। इट इज कर्वीलीनियर मोशन। टाइप ऑफ मोशन कौन सी है? कर्वीलीनियर। मूवमेंट ऑफ ट्रेन ऑन ए कर्व्ड ट्रैक दैट इज कर्वीलीनियर मोशन। नेक्स्ट आ जाइए, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट। इन इट्स ऑर्बिट। तो ये राउंड में चक्कर काट रही है। सो इट इज सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन है? सर्कुलर। और ये कर्वीलिनियर की टाइप ही है, सो सर्कुलर मोशन। और आपको ये पता है कि जो मून है, मून का ऑर्बिट क्या है? अराउंड सन, सॉरी अराउंड अर्थ। वो मून ऐसे मूव कर रहा है, वो भी कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। लिख लो, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ। मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ दैट इज सर्कुलर मोशन। नाउ हियर यू सी, यहाँ पे क्या देख रहे हो? जो ये झूले है, ये किसके अराउंड मूव कर रहे हैं? ये सेंट्रल एक्सिस है, फैन है, ये सेंट्रल एक्सिस है, इसके ब्लेड्स इसके अराउंड मूव करते हैं। दिस इज रोटेशनल मोशन। अर्थ की मूवमेंट सर्कुलर है अराउंड सन, बट ये दिस इज रोटेशनल। लिखो, मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन अराउंड अराउंड इट्स एक्सेस। रोटेशनल मोशन। टाइप ऑफ मोशन कौन सी है? रोटेशनल मोशन। ओके, नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ टरबाइन। टरबाइन आपको पता है, जहां पे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसके ऊपर पानी गिरता है और ये मैम घूमता है। यस टेल मी। मैम कैन अर्थ ऑल्सो कैन बी एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन मैम, बिकॉज इट ऑल्सो मूव अराउंड इट्स एक्सिस। बिल्कुल ठीक है, वो अभी हम करेंगे। आई विल टेल यू, दैट इज राइट, एब्सोल्यूटली राइट, वेरी गुड। तो देन मूवमेंट ऑफ टर्बाइन, आप यहाँ देख रहे हो व्हील की तरह,
मैम वी वांट टू राइट मैम बैकवर्ड वन मैम दैट वाज यू राइटिंग मैम बिफोर दिस वन। अच्छा मैं लिखवाती हूँ आपको, फैन का ही बताया था बेटा, मूवमेंट ऑफ, लिख लो लिख लो, मूवमेंट ऑफ फैन अराउंड इट्स एक्सेस, मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन अराउंड इट्स एक्सेस। रोटेशनल मोशन, टाइप ऑफ मोशन कौन सी है? रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ व्हील्स ऑफ टर्बाइन, मूवमेंट ऑफ, लिख लो एग्जाम्पल में लिखो, मूवमेंट ऑफ व्हील, ये व्हील ही है, ऑफ टर्बाइन अराउंड अराउंड सेंट्रल एक्सिस, मूवमेंट ऑफ व्हील ऑफ टर्बाइन अराउंड सेंट्रल एक्सिस, टाइप ऑफ मोशन कौन सी आ गई? रोटेशनल। उसके बाद आजकल आपने झूले देखे होंगे जो मैरी गो राउंड होता है ना, बड़ा सा घूमते हो, दिए झूले आपने कि नहीं, कभी बैठे हो मैरी गो राउंड पे, है ना, बड़ा सा झूला, ऊपर तक जाते हो तो चीखे मारते जाते हो, इतना डर लगता है, राइट। उसके सेंटर में क्या है? अगेन एक्सिस है जिसके अराउंड वो घूम रहा है, दैट इज अगेन रोटेशनल मोशन। सो लिखो, टाइप लिखिए, ये फेरी व्हील कह देते हैं हम उसको, या मैरी गो राउंड कह देते हैं, राइट। तो यहां लिखो, मूवमेंट ऑफ मैरी गो राउंड, झूला है ये, अगेन रोटेशनल मोशन। अब आपको यह पता है चरखा चलाते हैं वो भी सेंट्रल एक्सिस, स्पिनिंग टॉप आप खेलते हो, दैट इज आल्सो रोटेशनल, ठीक है, ये कर सकते हो आप। ये देखिए, ये है मैरी गो राउंड, ठीक है, ये भी आपके स्कूलों में लगा हुआ है, अगेन सेंट्रल एक्सिस, इसके अराउंड चक्कर काटते हो, रोटेशनल मोशन। देन दिस इज पुली से पानी निकाल रहे हो, अगेन रोटेशनल मोशन, अगेन इसमें सेंट्रल एक्सिस है, राइट। ये सब कर लोगे, आते हैं ना आपको, समझ यस आ गई अब आपको सबको? वेरी यस गुड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द गर्ल फ्रॉम सिक्स डी हैज टोल्ड मी दैट मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस विच चेंज, क्या होता है उससे, दिन और रात बदलते हैं, डे एंड यस नाइट, राइट। सो दैट इज एक्सिस के अराउंड एंड दैट इज रोटेशनल मोशन, राइट जाओ, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, रोटेशनल मोशन। देन दिस चाइल्ड, ये अब आप मुझे बताओगे, दिस चाइल्ड इज स्विंगिंग, झूला ले रहा है, आगे पीछे आगे पीछे, कौन सी मोशन है? ऑक्सेलरी ऑसिलेटरी, वेरी गुड। तो लिखो यहां पे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए स्विंग, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए स्विंग, SWING, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए स्विंग, और मोशन कौन सी है? ऑसिलेटरी मोशन। ये देखिए आगे गया फिर पीछे आया,
दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट आ जाता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम। टू एंड फ्रो, राइट डाउन नेक्स्ट एग्जाम्पल। टू एंड ऑक्सिलरी मोशन, ऑसिलेटरी, हाँ ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ तबला, वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मोशन। बिल्कुल ठीक है, मोशन ऑफ, एवरीबडी राइट ऑन जल्दी से। मोशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ तबला जल्दी जल्दी से होता है। इट इज वाइब्रेटरी मोशन। दिस इज वाइब्रेटरी मोशन। अगेन देन स्ट्रिंग ऑफ गिटार लिख लो, आगे लिख लो, स्ट्रिंग ऑफ गिटार प्लक करो, उसको हल्का सा हिलाओ एकदम तेज, वाइब्रेटरी मोशन। बातें नहीं, सेक्सी, नो गर्ल्स, नो टॉकिंग, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, गिटार स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, वाइब्रेटरी मोशन, हल्का सा करो इतनी साउंड। देन ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है जी, उसके बाद आई होप कि भी आपका टाइम हो गया। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक हम बात कर देते हैं, आप जल्दी से मुझे बताओगे एक आधी, बाकी हम एग्जांपल्स वी विल डू ऑन मंडे, राइट। जल्दी से बताइए मूवमेंट ऑफ साइकिल, आप साइकिल से स्कूल या मार्केट जा रहे हैं, इज इट पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? यस, रेज योर हैंड्स, सिक्स ई, जल्दी से बताओ, सिक्स ई में सम स्टूडेंट कम फॉरवर्ड क्विकली, 6B में से, हाँ बोलो बेटा जिसके पास माइक है बताए। नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मोशन। 6A में से, माइक ऑफ है बेटा, मुझे ये बताइए मूवमेंट ऑफ पेंडुलम पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? अपने सिंबल से बताइए, 1 की 2, दिस इज पीरियोडिक, दिस इज नॉन पीरियोडिक। मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इज पीरियोडिक, वेरी गुड। देन 6D, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक। दिस इज पीरियोडिक। मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ यू कैन से स्विंग, पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? 6C, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अच्छा यू नो हाइबरनेशन, हाइबरनेशन हमने किया था, इज द हाइबरनेशन प्रोसेस पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? 6C, पीरियोडिक नॉन नहीं है, पीरियोडिक है। धातुओं को पता है उन्होंने कब अंदर जाना है, वो सेम टाइम पे जाते हैं, ठीक है, तो तकरीबन पीरियोडिक प्रोसेस, राइट। हार्ट बीट बिकॉज इट समटाइम स्लो समटाइम फास्ट, पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक मोशन, राइट। सो सी सॉ, सी सॉ में कौन सी मोशन है? ऐसे 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 ऐसे, यस, टू एंड फ्रो मोशन है कि नहीं? थोड़ी बहुत ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी कौन सी आ जाएगी ये बताओ, जल्दी से सोच के बताओ, लिखो जरा अपनी कॉपी में, ये आपका होमवर्क है। टू टाइप ऑफ मोशंस इन ए सीसॉ, टू टाइप्स ऑफ मोशन इन ए सीसॉ, ये आपने मुझे बताना है।
ठीक है, एक ये क्वेश्चन लिखिए, ऑल वाइब्रेटरी मोशंस आर ऑसिलेटरी, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बट राइट डाउन, ऑल वाइब्रेटरी मोशंस आर ऑसिलेटरी बट नॉट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर वाइब्रेटिंग, बट नॉट ऑल वाइब्रेट ऑसिलेटरी मोशंस आर वाइब्रेटिंग, एक्सप्लेन। ठीक है जी, सो जनरल ये जो चैप्टर था इसमें यही चीजें थी जो हमने की, राइट? आई होप नाउ वेरियस पॉइंट्स, वेरियस टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस ठीक है, और अब आपका क्या होमवर्क है, आपकी 2 हॉलीडेज है, आपने वर्कशीट करके आनी है, इज इट ओके? मैम, ऑस्किलेटरी इज डिफरेंट फ्रॉम वाइब्रेटरी बिकॉज इट हैज स्लो फ्लो एंड टू मोशन। यस, बिल्कुल ठीक है कि वाइब्रेटरी जो ऑसिलेटरी है इट इज स्लो, बट वाइब्रेटरी इज द ऑसिलेटरी मोशन विच इज फास्ट। ठीक है, बट हम एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, सो एवरीबडी विल डू द असाइनमेंट एंड वी विल डिस्कस द असाइनमेंट ऑन मंडे, और उसके बाद आपका इस चैप्टर में से टेस्ट होगा, इज इट ओके? दोगे? यस ठीक है, एंड फुल मार्क्स? ठीक है, चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय मैम। बेटा, बाय बाय।